तृतीय सिंहदेव रायपुर में शाहीन बाग की तर्ज पर जय स्तंभ चौक में धरने में पहुंचकर प्रदर्शन का समर्थन उन्होंने किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मैं ऐसे कानून का पक्षधर नहीं हूं जो लोगों को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटता हो। उन्होंने कहा कि CAA वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को तोड़ता है। देश में आजादी, भाईचारे, बराबरी, मानवता की होनी चाहिए। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो वह उनसे ही जानते हैं। मंत्री जी, आप आज यहाँ पहुँचे हैं, इसको क्या समझा जाए, समर्थन? इस संदर्भ में मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं किसी ऐसी व्यवस्था या कानून के पक्ष में नहीं हो सकता जो क्षेत्र, जाति या धर्म के नाम पे बांटे। मैं मानव हूँ और मानव कानून का पक्षधर हूँ। जो भी कानून बने वो मानवों के लिए बनना चाहिए। शेष कोई भी कानून अगर मानव के अतिरिक्त किसी के लिए बनता है, मैं उसके लिए कभी भी सहयोग या समर्थन की बात सोच ही नहीं सकता। जैसे अभी आपने कहा ये मानव हित में नहीं है, तो कहाँ नुकसान हो रहा है? वासुदेवा का कुटुंबकम बिखर रहा है। और किस तरह का आपका समर्थन रहेगा यहाँ? समर्थन पूरी तरह से वैचारिक है और जो लोग इस बात को उस आधार पे उठा रहे हैं, अभी नारे लगते हैं कि आजादी लेंगे, मेरा ये मानना है तो आजादी हमारी है, हमारे पास है। जो लोग इस आजादी को लेना चाहते हैं उनका विरोध होना चाहिए। ये आप भी आपने कहा कि आजादी हमारे पास है, लगातार ये गूंज रहे हैं, तो आजादी किस बात की बात हो रही है? आजादी स्वतंत्रता की, आजादी बराबरी की, आजादी भाईचारे की, आजादी हर मानव को बराबर मानने की। तो अभी आपने सुना TS सिंहदेव जी को, जिनका साफ कहना है कि चाहे सरकार जिस भी तरीका को अपना ले, हम यहाँ झुकेंगे नहीं। जो जन विरोधी नीति है उसका हम समर्थन नहीं करेंगे।